दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ईमन खान अपनी बेटी अमल के साथ मिलकर अपने भांजे से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं। दिखाएंगे कि ईमन खान ने मीनाल खान के बेटे को गोद में उठाए हुए बहुत ही प्यारी सी तस्वीर अपने फैंस के साथ शेयर कर दी हैं और साथ ही साथ आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह ईमन खान ने ढेरों फूल और तोहफे लेकर और बलून्स के साथ अपने भांजे का वेलकम किया। मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जैसे कि आप सबसे बात जानते हैं कि मीनाल खान के यहाँ अल्लाह ताला की नेमत बेटे की पैदाइश हुई है और अदाकारा की बेटे के साथ बहुत सी तस्वीर आ चुकी थी और अब ईमन खान भी अपने भांजे से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंची तो अदाकारा ने बहुत से फूल और बलून्स के साथ अपने भांजे का वेलकम किया और साथ ही साथ अपनी बेटी और अपनी वालिदा के साथ बहुत सी प्यारी सी तस्वीर शेयर की और इन तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है जिसने हमें इस कदर खूबसूरत और प्यारे बेबी बॉय से नवाजा है। मीनाल खान का भी ईमन खान की इस कमेंट पर रिएक्शन नज़र आया। सोशल मीडिया पर ईमन खान और मीनाल खान के बेटे की तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और फैंस इन तस्वीर को बेहद लाइक कर रहे हैं। साथ ही साथ अमल ने भी अपने कज़न का बहुत ही शानदार अंदाज से वेलकम किया और वह भी अपने कज़न के साथ ना सिर्फ खेलती रही बल्कि साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा बलून्स और फ्लावर्स भी लेकर आई। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, किस तरह ईमन खान ने मीनाल खान के बेटे से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँची और साथ ही साथ अपने भांजे के लिए ढेरों फूल और तोहफे भी लेकर आई। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।